नमस्कार कंपटीशन कॉम्पिटिशन के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पोखराज करता हूं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत तो दिन है संडे का और मैं लेकर आ चुका हूं करंट अफेयर्स वापस से आप सभी के लिए और ये जो करंट अफेयर्स रहेगा इसमें एक से लेकर सात अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर्स का अपन एनालिसिस कर लेंगे प्री और मेन्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बीच में ढपर ढपर आवाज आएगा तो आएगा तो क्या ही कर सकता हूँ आप लोग पढ़े ध्यान दो जी कहाँ ये सब चक्कर लगाए रखे हो ठीक है चलिए थोड़ा सा ना काम चल रहा है एक्चुअली बिल्डिंग में ना इसीलिए और कुछ नहीं है ना चलो ठीक स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले खाली स्लाइड आ गया समझ जाओ आप लोग की क्या आने वाले हैं तो एक साहित्यकार आने वाले हैं चलो तो एक ठो गांव है क्या नाम है गांव का सोमनाथ और ये जो सोमनाथ है ना ये है असली छत्तीसगढ़ी गांव हरे तो सोमनाथ असली कार है छत्तीसगढ़ ही गांव चलो अब साहित्यकार है डॉक्टर सोमनाथ यादव असली से हैं वो हाथ भागु का हाथ है असली उत्तरा अधिकारी छत्तीसगढ़ी से है छत्तीसगढ़ी दोहे और गांव से है आदर्श गांव ठीक है तो कहा देखें भाई कोड में कोड देखे हन सोमनाथ एक असली छत्तीसगढ़ी गांव तो सोमनाथ से साहित्यकार डॉक्टर सोमनाथ यादव असली से असली उत्तराधिकारी छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी दोहे और गांव से क्या है आदर्श गांव चलो सोमनाथ के ना दो फैक्ट मैं आप लग बता हूं पहला अगर अपन भारत में जो कि गुजरात में एक सोमनाथ है ना वहां की बात करोगे तो ध्यान रखना वहां पर एक ऐसा बिंदु है एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप सीधा साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव जा सकते हो बिना किसी भी द्वीप महाद्वीप को टच करे सीधा सीधा एकदम वहां से दक्षिण जाओगे सीधा दक्षिणी ध्रुव बीच में कुछ नहीं मिलेगा पानीच पानी पानीच पानी 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 और ये छत्तीसगढ़ के सोमनाथ है यह असल में जिला कौन सा है तो जिला है बलौदा बाजार भाटापारा तहसील कौन सा है सिमगा और यहां कौन सा दोनों अधिक संगम होते शिवनाथ और खारून शिवनाथ और खारून दोनिक संगम कहां पे सोमनाथ ठीक तो हो गए अपन एक साहित्यकार तीन ठो रचना और दो ठो मिसलिनियस डेटा सोमनाथ के बारे में चलो अब नेक्स्ट क्या करना है भाई तो नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो था उसमें जो क्वेश्चंस दिया था उसके आंसर्स को देख लेते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार के हमार बेटी हमर मान अभियान जो है किससे संबंधित है तो बेटियों की सुरक्षा संबंधित है लास्ट वीडियो में देखे थे अगला क्या है मध्य भारत का सबसे बड़ा ज्योति कलश भवन बता ही दिया था पिछले बार आप लोग को दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा टाइगर बॉय चेंद्रु मंडावी ये विख्यात है अगला क्या है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और किसके बीच हुआ है? हाँ यार लास्ट वीक के आखिरी स्लाइड से ही और उसमें हमने क्या देखा था स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में देखा था और कुछ जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ सेकंड स्थान पर रहा

सेकेंड ठीक है एक लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है उसमें अंबिकापुर राज्य में स्टेट में फर्स्ट और कोरबा आया है सेकेंड तो अंबिकापुर का दबदबा हमेशा कायम रहता है जब भी स्वच्छता सर्वेक्षण होता है तब इस बार भी देख लो एक लाख से अधिक आबादी वाले जो सिटीज हैं वन लाख से अब पॉपुलेशन वाले सिटीज उसमें अंबिकापुर जो है उसका रैंक क्या रहा है फर्स्ट कोरबा सेकेंड स्टेट में ठीक है अब जो इंडियन स्वच्छता लीग था आई छत्तीसगढ़ के आठ शहर जो है ना उन्होंने बाजी मारी मतलब ये सब क्या है नगरी निकाय है ठीक है इसमें से सात जो है सेवन वो फर्स्ट पे रहे और एक रहा है सेकंड पे आप लोग पिछले वीडियो को देखना और उसमें लास्ट लाइन में बताया हूं कौन सेकंड पे हा करके उसको मेरे कमेंट करके बताना सेकंड पे कौन था तो सात फर्स्ट एक सेकंड ठीक है तो हमारे यहां से नगरी प्रशासन एवं श्रम मंत्री अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेबर मिनिस्टर जो हैं शिव डहरिया जी उन्होंने क्या किया है अवसान और शहरी कार्य मंत्री हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं श्री हरदीप पुरी उनके हाथों से क्या किया सम्मान को प्राप्त किया क्लियर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बेस्ट परफॉर्मेंस या बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ का क्या रैंक रहा ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न जो है वो देश में सेकेंड आया है और ईस्ट जोन में फर्स्ट तो ये पैटर्न इंपॉर्टेंट आज के हिसाब से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है थोड़ा सा आपसे डिटेल में पूछना चाहे तो पूछ सकता है कितने नगरी निकाय फर्स्ट आए हैं ठीक है तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है या कितने नगरी निकायों को रैंकिंग मिली तो सेवन प्लस वन एट ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोग क्या करिए तैयार रहिए अगला क्या है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 कहां कहाँ आयोजन हुआ है तो शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तो दो चीज ध्यान रखना सबसे पहले ये स्टेडियम कहां है तो ये है नवा रायपुर अटल नगर गांव का नाम क्या है परसदा दूसरा वीर नारायण सिंह कौन थे भैया तो जो सोना खान का विद्रोह हुआ जो 1856 से चालू हुआ 1857 में जाके खत्म हुआ इस विद्रोह के कौन थे ये नायक या लीडर हीरो नारायण सिंह इनको फांसी हुई थी कहाँ पर हुई थी पता होना चाहिए जय स्तंभ चौक कुछ लोग बोलते हैं कि तोप से उड़ा दिए थे पहली बात बता देता हूं आप लोग को ग्रंथ अकेडमी में लिखा है फांसी हुआ है करके ठीक है तो मैं फांसी मानूंगा अब बाकी तुम तो लोग कुछ भी बोलो ठीक है कौन सी जनजाति के थे ये क्वेश्चन पूछता है तो वी नारायण सिंह कौन सी जनजाति के थे बेंझवार तो इन्हीं के नाम से स्टेडियम है इन्हीं के नाम से महासमुंद में क्या है कोड़ार डैम भी इन्हीं के नाम से है क्लियर है ये ठीक है भाई अब क्या हुआ यहां पर टूर्नामेंट हुआ रोड सेफ्टी फाइनल मैच इंडिया लेजेंड्स और श्रीलंका लेजेंड्स के बीच में हुआ इंडिया एजेंट्स ने क्या किया श्रीलंका एजेंट्स को थर्टी थ्री रन रनों से हरा दिया क्लियर है ये? ठीक है भाई। बताने की जरूरत है कि इंडिया टीम से होंगे करके और वही प्लेयर ऑफ द सीरीज तिलक रत्न दिलशान टीएम दिलशान एक समय श्रीलंका कैप्टन भी हुआ करते थे ऐसे दिल कुमार वाला खिलाड़ी समझ में नहीं क्लियर है तो रोड सेफ्टी जो है इसमें से क्वेश्चन आएगा प्री से संबंधित ठीक है तो प्री से संबंधित पूछ सकता है 2022 का जो टूर्नामेंट हुआ किसने जीता तो इंडिया लेजेंड्स प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन थे और उसके बाद ये कहाँ हुआ इसका वेन्यू ठीक है अब आगे आ जाते हैं राज्य अलंकरण की श्रेणी में पांच नए पुरस्कार दिए जाएंगे तो मैं आप लोग को बता दूं राज्य अलंकरण की श्रेणी में अभी तक कितने अवार्ड दिए जाते थे तीस और अब कितने दिए जाएंगे पांच नए कुल हो जाएंगे पैंतीस ऐसा न्यूज में लिखा हुआ है क्लियर है अब क्यों ऐसा बता रहा हूं इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा अभी तक तीस अलग अलग श्रेणीज में श्रेणी क्या या श्रेणीज बोल रहा हूं देखो हिंदी की इंग्लिश में श्रेणी या कहना चाहिए इसको इंग्लिश में देखो मेरा दिमाग देखो ना कैटेगरीज बोलते हैं तो तीस अलग अलग कैटेगरीज में श्रेणियों में अभी तक अवॉर्ड दिए जा रहे थे पांच अवॉर्ड की घोषणा हुई है ठीक है एक है लक्ष्मण मस्तूरिया फिर है खुमान साहु पुरस्कार उसके बाद है माता कौशल्या सम्मान उसके बाद हबीब तरवीर पुरस्कार और इसके बाद क्या है अनुपम मिश्र पुरस्कार इनमें से दो की घोषणा गांधी जयंती के दिन हुई है और तीन की घोषणा उसके बाद हुई तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि दो का घोषणा जो गांधी जयंती दिन हुआ है वो अलग है और राज्य अलंकरण बाकी तीन है कि अब संख्या तीस में पांच बढ़ के कितनी हो चुकी है पैंतीस थर्टी फाइव मतलब जितना अवार्ड डिक्लेयर हुआ है सबको क्या माना जा रहा है राज्य अलंकरण माना जा रहा है क्लियर है कि नहीं इसमें से क्वेश्चन प्री में आ चुका है एक पुरस्कार को देता है पूछता है कि इसे किस क्षेत्र में किस एरियम दिया जाता है करके ठीक है ये तो ये तो मेरा इंटरप्रिटेशन है क्योंकि मैंने साफ साफ पढ़ा है उसमें कैटेगरीज तो पहले कैटेगरीज थी अब पांच को किए हैं पहले दो किए फिर तीन किए तो कुल पांच डिक्लेयर हो गया पांचों का नाम आपके सामने लिखा हुआ है क्लियर है अब पांच जो नए आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं तो लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार ये किस श्रेणी में है तो लोकगीत की श्रेणी में तो आपको पता होना चाहिए लक्ष्मण मस्तुरिया जी छत्तीसगढ़ी गीतों के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे एक बहुत फेमस उनका गीत है मोर संग चलाओ रे मोर संग चलाओगा क्लियर है ये तो लक्ष्मण मस्तुरिया जी के नाम से पुरस्कार रहेगा लोकगीत फोक सॉन्ग्स में इस श्रेणी में दिया जाएगा उसके बाद खुमान साव तो छत्तीसगढ़ी संगीत जो है इनके भीष्म पितामा कहा जाता है इनको तो लोक संगीत फोक म्यूजिक जो है उस श्रेणी उस कैटेगरी में खुमान साव जो है उनके नाम से पुरस्कार दिया जाएगा श्रेष्ठ रामायण मानस मंडली को माता कौशल्या के नाम से दिया जाएगा फिर हबीब तनवीर पता ही होना चाहिए यार बहुत फेमस थे ये किसके लिए तो इन्होंने एक हिंदुस्तान थिएटर और एक नया थिएटर जो है उसकी क्या की थी स्थापना की थी तो थिएटर से संबंधित बहुत फेमस व्यक्ति कौन हबीब तनवीर इनके नाम से ये जो रंग कर्म का क्षेत्र है मतलब एक तरीके से कह लो थिएटर का जो एरिया है ठीक है ना उसमें दिया जा रहा है और उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्यावरणविद थे अनुपम मिश्र उनके नाम से पुरस्कार दिया जाएगा वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में जो बेहतर काम करने वाली व्यक्ति है या संस्था है क्लियर है तो फाइनल हमको क्या याद रहना चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि बेसिकली ये जो अवार्ड है ये किस कैटेगरी के लिए दिया जाता है अभी कितना है तीस है पैंतीस है याने चांस बहुत कम है ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा हूं अभी तक मैं समझ में आया जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं इन पुरस्कारों में से वो पुरस्कार देता है पूछता है किस कैटेगरी मिलता है करके या पुरस्कार दे देगा पूछेगा किसको मिला है तो किसको मिला है तो पता होगा भैया एक नवंबर को जब राज्योत्सव होगा तो पता चल जाएगा और उसी टाइम डिक्लेयर करती है सरकार तो उस टाइम जब डिक्लेयर हो गए तो मैं वीडियो बना दूंगा क्लियर तो लक्ष्मण मस्तूरिया लोकगीत खुमान साव लोक संगीत माता कौशल्या सम्मान रामायण मानस मंडली हबीब तनवीर रंग कर्म अनुपम मिश्र वाटर रिचार्जिंग ये पांच नए पुरस्कार जो है ऐड हुए हैं भले अलग अलग दिन डिक्लेयर हुए लेकिन जब डीपीआर बता रहे पहले तीस थे अब कुल पैंतीस हो चुके हैं मतलब पांचों को मान रहे तभी तो पांच बढ़ के पैतीस हुआ ठीक है तो प्री के हिसाब से था इंपॉर्टेंट और कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये मैंने बता दिया अब नेक्स्ट ये भी थोड़ा सा प्री टाइप का ही न्यूज है राज्य स्तरीय भू वैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल समझ में आया तो जियोलॉजिकल प्रोग्राम सर्कल और वो भी कौन सा स्टेट लेवल इसका क्या हुआ ट्वेंटी सेकेंड बैठक हुआ ठीक है ये दस अक्टूबर को रायपुर में बैठक हुआ इस बैठक की अध्यक्षता या इसको चेयर कौन किए हैं तो सिद्धार्थ कोमल परदेसी ये सचिव है सेक्रेटरी है खनिज डिपार्टमेंट के या खनिज विभाग के क्लियर है ये ठीक अब इस मीटिंग में क्या चर्चा हुई है तो 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें खनिजों के खोज के लिए जो कार्य किए गए उन कार्यों की समीक्षा की गई ठीक है देखा गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे-कैसे और जो ये जो फाइनेंशियल चल रहा है बाईस तेईस इसमें प्रदेश में खनिजों की खोज के लिए क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित हैं उन कार्यक्रमों को क्या किया गया अंतिम रूप दिया गया फाइनल किया गया क्लियर है ये अब एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन अगर बताऊं तो पूछ सकता है कि जियोलॉजिकल प्रोग्राम सर्कल है इसका बैठक कब हुआ तो 10 अक्टूबर कौन सा नंबर की बैठक थी तो बाईसवीं अध्यक्षता कौन किए थे सिद्धार्थ कोमल परदेसी और एकदम आप लोग का किस्मत खराब है पापी वर्ग के हो अगर तो मेंस में अगर सीधा थर्टी वर्ड्स में पूछ दिया जियो, जियोलॉजिकल प्रोग्राम सर्कल जो है ये बेसिकली क्या करता है तो बता देना कि राज्य में खनिजों के खोज के लिए जितने कार्यक्रम हैं उनकी समीक्षा करता है और कार्यक्रमों को क्या करता है प्रस्तावित तो हमारे स्टेट में मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए खनिजों की खोज के लिए कौन काम करता है तो जियोलॉजिकल प्रोग्राम सर्कल ऐसा लिख के आ जाओगे जाओगे तो 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 कम कम से कुछ नहीं एक नंबर तो पा जाओगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स कहा हो रहे हैं गुजरात तो पहला क्वेश्चन कहा है गुजरात कौन से नंबर का है थर्टी सिक्स तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कब से तो ट्वेंटी नाइन से लेकर बारह अक्टूबर तो तीन क्वेश्चन बन गया प्री का समझ में आया अब इसके बाद थोड़ा सा डिटेल डिटेल में जाते हैं ये चेंज होगा होगा जैसे ही होगा, तो मैं और लेके आऊंगा क्यों क्योंकि 12 अक्टूबर तक चलेगा 12 अक्टूबर तो आज है नहीं आज तो आज अक्टूबर को मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोग नौ तारीख को देख रहे हो इसको कुछ लोग दस को ग्यारह बारह तेरह को जब भी देखोगे तो अगला जो वीडियो आएगा मेरा मैं इसमें अपडेट कर दूंगा तो अभी तक सात मेडल जीते हैं जिसमें से दो गोल्ड है तीन सिल्वर है दो कांस्य है इसको याद रखने का भी उतना जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें चेंजेस आ सकते हैं हो सकता है कि कोई और गेम्स में हम लोग कुछ मेडल्स को जीत जाए फिलहाल अभी कितनी चीजों को याद रखना है कि कौन से नंबर का है कहां हो रहा है कब से कब तक हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना आकर्षी कश्यप बहुत बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ के बैडमिंटन में इन्होंने क्या किया विमेन सिंगल्स में जो पहली वरीयता प्राप्त थी मतलब जो फर्स्ट रैंकर थी महाराष्ट्र की मालविका बसोड़ उनको क्या किया हरा दिया और हराने के बाद क्या किया है तो गोल्ड मेडल को जीता है तो आकर्षी कश्यप के बारे में सीधा पूछेगा कि नेशनल गेम्स में बैडमिंटन में इन्होंने क्या जीता है तो गोल्ड मेडल जीता है ठीक है उससे पहले स्केटिंग में अमितेश मिश्रा जो है ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं तो दो गोल्ड देख लिया अपन ठीक है ना एक आकर्षी कश्यप और दूसरे कौन है अमितेश मिश्रा फेंसिंग फेंसिंग वाला मतलब वो देखे हो नहीं है सब पतलस तलवार धर को चकते रहते हैं वही फेंसिंग है तो फेंसिंग जो है इसमें सिंगल वाला जो था व्यक्तिगत मुकाबले में इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के जो इंटरनेशनल प्लेयर है नाम है क्या आर एस शर्जील इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और उसके बाद तलवारबाजी टीम को क्या मिला है तो कांस्य ठीक है कांस्य मतलब ब्रॉन्ज मेडल तो इंडिविजुअल मेडल्स में फिलहाल मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है एक तो आकर्षी कश्यप का है एक अमितेश मिश्र का है ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अलावा आर एस जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो ये तीन मेडल्स याद रखना अच्छा और क्वेश्चन कैसे करता है पता है मेडल्स तो पूछता ही पूछता है सीधा क्या बोल देता है कि ये जो खिलाड़ी है किस खेल से संबंधित है तो आकर्षक कश्यप किस खेल से संबंधित है तो बैडमिंटन अमितेश मिश्रा किससे संबंधित है तो स्केटिंग आर एस शर्जील किससे संबंधित है तो फेंसिंग इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं याद रख सकते हैं तो तीन क्वेश्चन यहां से और तीन क्वेश्चन क्रम स्थान और डेट से याद रख सकते हैं तो इतना हो जाएगा आपका बेसिकली क्या नेशनल गेम्स में अभी तक इसमें से और डिटेल आएगा उसको मैं अगले वीडियो में क्या करूंगा कवर कर दूंगा अब उसके बाद प्रदेश में मनाया जाएगा वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी और उसके बाद कंट्रोल डे ठीक है तो आयोडीन जो है उसकी डेफिशिएंसी से जितने विकार होते हैं या जितने डिफेक्ट्स हो सकते हैं उसको कंट्रोल करने का दिवस इसको मनाया जाएगा तो 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक मनाया जाएगा वैसे वैश्विक रूप से इस दिवस को 21 अक्टूबर को मनाया जाता है हम लोग यहां पे 21 से 27 तक

हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़ उसमें जितने भी ऐसे जिले हैं जहाँ पर आयोडीन की क्या है अल्पता है डेफिशिएंसी वाला प्रॉब्लम है वहां पर मितानिन लोग जाएंगे समुदाय स्तर पर मतलब कम्युनिटी लेवल पर घर घर में जाएंगे और वहां पर नमक को पकड़ के क्या करेंगे टेस्टिंग करेंगे उनके पास छोटा साइल टेस्टिंग किट होगा उस किट से पता चल जाएगा कि उस नमक में कितना आयोडीन है समझ में आया क्लियर अब जो भी परिणाम आया उसका क्लियर तो जैसे आया कि आयोडीन कम है तो वहाँ पर लोगों को बताएंगे कि आयोडीन युक्त नमक जो है उसको क्या करना है इस्तेमाल करना है और आयोडीन युक्त नमक जो है उसको सही तरीके से कैसे रखना है इसके बारे में बताएंगे साथ में ये भी बताएंगे कि आयोडीन की कमी से लोगों में किस किस प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं और इन बीमारियों को कंट्रोल जो है वो कैसे करना है तो सारा जानकारी दिया जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ सेक्टर से संबंधित अगर कोई ऐसे आता है तो उसमें यूज कर सकते हो ठीक है इसके अलावा प्री में सीधा पूछ सकता है कि वैश्विक आयोडीन नवता विकार नियंत्रण दिवस जो है छत्तीसगढ़ में कब से कब तक मनाया गया तो इक्कीस अक्टूबर से सत्ताईस अक्टूबर ठीक चलिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा मुड़िया दरबार में की गई घोषणाएं सबसे पहली बात मुड़िया दरबार कब मनाया जाता है तो अश्विन का जो मास है मतलब कुवार उसमें शुक्ल पक्ष की द्वादशी मतलब ट्वेल्थ डे के दिन मुड़िया दरबार को मनाया जाता है सबसे पहली बार इसे 8 मार्च 1876 को मनाया गया था बेसिकली 1876 में हुआ था क्या मुड़िया रिवोल्ट मुड़िया विद्रोह जिसके नायक कौन थे झाड़ा सिरहा अब ये जो विद्रोह हुआ झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में मुड़िया विद्रोह मुड़िया रिवोल्ट इस रिवोल्ट में बेसिकली जब इसके दमन करता थे सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर ठीक है अब सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर जो कि दमन करता थे ये बेसिकली क्या हुआ पहुँचे और जब पहुँचे ना तब लोगों से बात करने पर उन्हें पता चला कि असल में लोगों को समस्या राजा से नहीं थी बल्कि दीवान गोपीनाथ कपटदार से थी तो ये जो डिप्टी कमिश्नर थे जिनका नाम क्या था मैक जॉर्ज इन्होंने क्या किया लोगों के साथ एक सभा की लोग वहां पे कौन थे तो जनजातीय उनकी समस्याओं को सुना समस्याओं का क्या किया निराकरण तब से इस बैठक या इस दरबार की प्रथा जो है वो शुरू हुई समझ में आया तो 1876 से ये क्या हुई शुरू हुई ठीक धीरे 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 हुआ क्या ये बस्तर दशहरा जो है इसमें क्या हो गया शामिल हो गया अब हर साल बस्तर दशहरा के अंत अंत में मुड़िया दरबार जो है वो होता है क्लियर है ये तो ये तो मुड़िया दरबार का क्या हो गया इतिहास हो गया इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी हूं, आप लोग देख लेना चाहो तो अब घोषणा क्या क्या हुई है तो सबसे पहले बस्तर दशहरा के आयोजन से जुड़े जितने सदस्य हैं उनके कपड़ों के लिए पांच लाख रुपए की क्या है राशि देने की घोषणा हुई है ठीक है उसके बाद तोकापाल शासकीय महाविद्यालय जो है उसका नामकरण शहीद हरचंद के नाम पर किया जाएगा और जरकरण भत्रा जो है उनके नाम पर बकावंड शासकीय महाविद्यालय का नामकरण करने की घोषणा तो तोकापाल शासकीय महाविद्यालय मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज है तोकापाल का वो शहीद हरचंद के नाम पे और बकावंड का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो जरकरण भत्रा के नाम पे नामकरण करने की क्या हुई है घोषणा हुई है पाँच लाख रुपये पोशाक के लिए देने की घोषणा हुई है तो चाल की और इसके अलावा जितने भी लोग है. है ये? अगर मैं बात करूं, तो मुड़िया दरबार इतना इंपॉर्टेंट है कि कल्चर के सेक्शन में ना थर्टी वर्ड्स में सीधा पूछ सकता है मुड़िया दरबार क्या है इतना इंपॉर्टेंट है बस्तर दशहरा के ऊपर हंड्रेड वर्ड्स में क्या आ चुका है तो ऐसे आ चुका है दो मेंस में आया था इसके अलावा 18 अप्रैल में पूछा था विश्व का सबसे लंबा चलने वाला त्यौहार कौन सा है बस्तर दशहरा ये भी याद रखना श्रावण मास की अमावस्या चालू होता है ये इसके बाद एक क्वेश्चन पाटा यात्रा के बारे में पूछा था कि पाटा यात्रा जो है इसका संबंध किस त्योहार से है तो पाटा यात्रा का संबंध किससे है बस्तर दशहरा तो यहां से बस्तर दशहरा जो है इससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों महाविद्यालयों का नामकरण हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो माइल्ड इंपॉर्टेंट है अगर याद रख लोगे तो अच्छा है अब नेक्स्ट क्या है भाई तो महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ हो चुका है इस योजना के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था मैं थर्टी वर्ड्स में इस योजना के बारे में सीधा सीधा आप लोग क्या कर देना रेडी कर लेना मीन का आंसर क्लियर है शुभारंभ कब हुआ है दो अक्टूबर 2022 हजार ये क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है अब क्या पूछेगा पता है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना की शुरुआत कब हुई डेट नहीं देगा तिथि विधि दे देगा तो याद रखना क्या गांधी जयंती अब बेसिकली क्या हो रहा है तो मैं बता चुका हूं छत्तीसगढ़ के जितने विकास खंड है कितने हैं वन फोर्टी पर क्या किया जाएगा दो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो चयनित गौठान है सिलेक्टेड गौठान है उनको एक लाइवलीहुड सेंटर के रूप में क्या करना है डेवलप करना है आजीविका के केंद्र के लिए क्या करना है डेवलप करना है इसीलिए महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है पहले चरण में इसको दो करोगे तो कितना हो जाता है तो हो जाएगा ना कितना टू नाइनटी टू हो जाएगा ना दो सौ बयानबे तो प्रथम चरण में कितना करने तीन सौ करेंगे करके सरकार जो है वो क्या कर रही है ट्राई कर रही है अब गोठान में क्या-क्या है तो ऑलरेडी कुछ-कुछ काम चालू हो चुका है जिससे कि लाइवलीहुड जो है वो मिलेगा ठीक है या आजीविका जो है लोगों को मिलेगी एक है वर्मी कंपोस्ट मुर्गी पालन बकरी पालन कृषि उत्पाद बनाना वनोपज का प्रसंस्करण इसके अलावा छोटा-छोटा तेल बनाने का यूनिट समझ रहे हैं तो ये सब छोटा-छोटा सेंटर वहां पे खुलेगा गौठान में और इससे लोगों को क्या मिलेगा रोजगार मिलेगा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोकल लेवल पे और क्या मिलेगा लाइवलीहुड पैसा कमाएंगे जी आजीविका इसका अर्जन होगा क्लियर है ये तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे तो कब शुभारंभ प्रत्येक विकास खंड में कितना दो मेंस में कहोगे तो थर्टी वर्ड्स में इस योजना के बारे में सीधा सीधा आप लोग क्या है क्वेश्चन को रेडी कर लेना ठीक है चलिए अब नेक्स्ट आ गए क्वेश्चन कुछ विविध पॉइंट्स जो है ना मैं आप लोग को बताना चाहूंगा तो बस्तर में है धूरा गांव धूरा गांव में आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली हुआ यह है धूरा गांव में कि इमली प्रसंस करण केंद्र जो है इमली मतलब कैमरिंड प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग यूनिट इसकी क्या की गई है शुरुआत की गई है तो धूरा गांव में कौन किए हैं सीएम इनोगरेट किए हैं तो सीएम इनोग्रेट किए हैं इमली प्रसंस्करण केंद्र कहां पर धूरा गांव में ठीक है इसके बाद कांकेर जो जिला है यहां पर है नथिया नवागांव तो कांकेर का जो नथिया नवागांव है ना यहां पर देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग जो है ये स्टार्ट हुआ है तो अभी तक क्या देखे धूरा गांव इमली प्रसंस्करण केंद्र सीधा प्री में पूछेगा टैमरिन प्रोसेसिंग यूनिट कांकेर नथिया नवा गांव पूछेगा सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट या इंडस्ट्री कहां पर है तो नथिया नवा कहां पर कांकेर फिर मैंने आप लोग को क्या बताया है मैंने बताया धूरा गांव वाला जो है उसको इनोग्रेट कौन किए हैं तो अपने सीएम किए हैं ठीक है इसके बाद सात अक्टूबर का दिन क्या था सात अक्टूबर का दिन भाई तो यह था वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह और इस अवसर पर सीएम साहब जो हैं इन्होंने नंदनवन जंगल सफारी यहां पर एक शेरनी क्या यहाँ पर एक शेरनी और शेरनी जो है ना नाम सुनोगे तो आप लोग बका जाओगे इसका नाम है क्या कृति इसके तीन जन लड़का का नामकरण किया क्या क्या नाम है तो एक का नाम है अरपा फिर एक का नाम क्या है पैरी और एक का नाम क्या है शबरी तो अर्पा पता है आप लोग को खोडरी खोसरा से निकली है ठीक है नहीं कहाँ पर है तो गौरे पेंड्रा मरवाही अरपा के तट पर एक फेमस शहर है क्या बिलासपुर और इस पर एक ठो योज अरपा पर एक ठो परियोजना भी है क्या है भैंसाझार पैरी सिकासार डैम है भैया कहाँ से निकली है भाटीगढ़ पहाड़ी भाटीगढ़ पहाड़ी कहाँ है तो यह है गरियाबंद जिले में शबरी कहाँ से निकलती है सिकराम पर्वत कहाँ पर कोरापुट उड़ीसा और इसी नदी पर सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना हमारे राज्य का एकमात्र क्या है जलमार्ग है और ये जो जलमार्ग है इसकी लंबाई कितनी है छत्तीस किलोमीटर कहाँ से कोंटा से कुनावरम और ये जो जलमार्ग है कोंटा से कुनावरम ये कैसा है तो ये सीजनल नेचर का है तो मानसून में जब इस नदी में बहुत सारा पानी रहता है तब हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें जाके बोट उट चला सकते हैं इसके बाद एक मिसलिनियस अच्छा ये सीधा सीधा प्री टाइप का है फैक्ट क्या क्या नामकरण किया गया है ध्यान रखना एक मिसलीनियस फैक्ट और ध्यान रखना है याशी जैन अब ये जो याशी जैन है माउंटेनियर है पर्वतारोही है कौन जिले की हैं रायगढ़ जिले की इन्होंने 2 अक्टूबर को मतलब गांधी जयंती के दिन माउंट किली मन जारो जानते हैं ना अफ्रीका माउंट किली मन जारो यहां पर क्या किया है तो तिरंगा लहरा दिया है माउंट किलेम ठीक है साउथ अफ्रीका में है दो अक्टूबर गांधी जयंती के दिन याशी जैन ने क्लियर है तो ये कुछ बेसिक और फैक्ट्स मैंने बता दिए जो कि प्री के हिसाब से हैं ठीक एक धुरा गांव वाला ये प्रीम पूछ सकता है एक कांकेर वाला फिर नामकरण ये पूछा जा सकता है और याशी जैन माउंट कलेमजारो दो अक्टूबर तिरंगा फहराया कौन जिले की है रायगढ़ कौन है पूछ सकता है तो याद रखना माउंटेनियर है

तो ये जो वीडियो है इसमें यहीं तक आप लोग से निवेदन है कि क्वेश्चंस को पढ़िए एक बार और कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आप सबसे मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में तब तक ले थैंक यू एंड टेक केयर